गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, मैं हूं आपके साथ सोनल। देखिए, सुबह के 6 बज चुके हैं और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इंडोनेशिया के जकार्ता से जहां पीएम मोदी ASEAN समिट में शामिल होने पहुंचे हैं। पीएम मोदी आज सुबह करीब 3 बजे जकार्ता पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत किया गया है। ये बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जो है वो एशियन समिट में पहुंचे हैं। सुबह 8:45 पर वो जकार्ता पहुंचे और इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, आज एशियन समिट में शामिल होंगे पीएम मोदी। सुबह 11:45 पर वो वापस आएंगे, लेकिन आपको ये बड़ी अपडेट हम दे दें, इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचे हैं पीएम मोदी। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वो शामिल हुए हैं, ये बड़ी अपडेट। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, बड़ी अपडेट आपको बता रखी है। सुबह 8:45 पर समिट में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी और सुबह 11:45 पर दिल्ली रवाना होंगे पीएम मोदी। ये बड़ी अपडेट। तो इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल से G20 की शुरुआत होनी है और आज प्रधानमंत्री मोदी जकार्ता पहुंचे हैं समिट में शामिल होने के लिए। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तो देखिए, जकार्ता में मोदी यहां आप देख रहे हैं कि कैसे पीएम मोदी की इंडोनेशिया यात्रा की 6 तस्वीरें हम अभी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। पहली तस्वीर जो अभी हम आपको दिखाएंगे, उसमें आप देख सकते हैं कैसे आसियान देशों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया पहुंचे हैं पीएम मोदी का। जकार्ता एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत किया गया है। होटल के बाहर खड़े लोगों ने स्वागत में मोदी मोदी के नारे लगाए। आप सुन सकते हैं, होटल के बाहर इंतजार कर रहे भारतीय मूल के लोगों से और बच्चों से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रही है, 6 तस्वीरें, जहां पर साफ तौर पर आप मोदी मोदी के नारे सुन सकते हैं। मोदी 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 तो देखिए कैसे भारतीय समुदाय के लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। तो आज आसियान समिट में शामिल होने के लिए पीएम मोदी जकार्ता पहुंचे हैं। कल G20 समिट है, उससे पहले आज प्रधानमंत्री जकार्ता पहुंच चुके हैं और देखिए किस तरह से वो भारतीय समुदाय के लोगों से मिल रहे हैं। लोग उनको देखकर काफ़ी खुश है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह लोग मोदी मोदी के नारे लगा रखे हैं। लगातार उनके लिए भव्य तैयारियां की गई, उनका भव्य तौर पर स्वागत किया गया। तो एयरपोर्ट के बाद पीएम मोदी का होटल पहुंचने पर भी भव्य स्वागत हुआ है और इस दौरान हाथों में तिरंगा लेकर लोग मोदी के स्वागत में पहुंचे थे। जकार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों और बच्चों से मुलाकात की और उनका अभिवादन भी स्वीकार किया। देखिए तस्वीरें किस तरह से उनसे मुलाकात की और उनका अभिवादन भी स्वीकार किया है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से लोगों में एक अलग ही उत्साह है प्रधानमंत्री मोदी को देखने का, और सिर्फ भारतीय समुदाय के लोगों में ही नहीं बल्कि देश भर के अन्य लोगों में भी ये उत्साह हम देख सकते हैं किस तरह से वो गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। और होटल पहुंचने पर भी उनका भव्य स्वागत हुआ, एयरपोर्ट पर भी भव्य स्वागत हुआ और इस दौरान हाथों में तिरंगा लेकर लोग मोदी के स्वागत में पहुंचे थे। तो देखिए किस तरह आज आसियान समिट है, ये हम आपको बता रखे हैं और क्या क्या आज इसमें होगा। देखिए इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुआ था और क्या है ये, लगातार आपको हम ये बता रहे हैं।
तो देखिए तस्वीरें किस तरह से गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया, एयरपोर्ट से लेकर होटल तक की भव्य तैयारियां की गई, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, लोग उनसे मिलने को बेताब है, उनकी एक झलक पाने को बेताब है। और देखिए किस तरह से लोगों में ये उत्साह, ये जोश देखने को मिल रहा है। अब देखिए देश का नाम क्या होना चाहिए, इंडिया या भारत, इसी को लेकर देश में बहस छिड़ी हुई है। राष्ट्रपति को भेजे गए G20 के एक इन्विटेशन ने इस बहस को और जोर से शुरू कर दिया है। विपक्ष ने केंद्र सरकार को इसी मुद्दे पर घेरना शुरू किया, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को नसीहत दी है कि इंडिया और भारत के मुद्दे पर बेवजह चर्चा ना करो। भारतीय देश की एकता का आधार है, इंडिया नाम एक गलती है। भारत का संविधान जो है वही कहता है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया नहीं डिलीट होना चाहिए, इससे भारत को नुकसान होगा। ने इंडिया नाम आए हिंदू हिंदू इंडिया, जो भारत वो इंडिया, जो इंडिया वो भारत। आप जबरदस्ती नहीं कह सकते हो कि आप इंडिया इस्तेमाल करिए या भारत इस्तेमाल करिए। इंडिया भी रहेगा भारत भी रहेगा, अगर किसी को चाहे तो हिंदुस्तान करो ना। इंडिया बनाम भारत पर इन बयानों, इन नारों के शोर के बीच दो मिनट का वक्त निकालिए। सियासत की गलियों से निकलकर हरियाणा के नूह लेकर चलते हैं। यहां कुछ दिन पहले हिंसा हुई थी, माहौल अब शांत है, लेकिन दहशत बाकी है। लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं। 1600 बच्चों वाले स्कूल में मुट्ठी भर छात्र दिखते हैं। ये जो दंगा हुआ था इसकी वजह से नहीं आ पा रहे हैं, दरअसल अभी थोड़ा डर है माहौल गर्मा गर्मी से, इस वजह से इसलिए बच्चे आ नहीं पा रहे हैं, बाहर गए हैं। जो भी सर ये दंगा सर इसलिए पुलिस वुलिस आती है गाँव में, बच्चों को पकड़ने का डर रहता है। हिंसा से पहले 90-85% बच्चे आते थे, लेकिन अब फिलहाल बच्चे 45% या 50% ऐसे आ रहे हैं। ज्यादा बच्चे स्कूल कैसे पहुंचे, बात इस पर होनी चाहिए, लेकिन डिबेट किस पर है, भारत चाहिए या इंडिया। गीता जी में भी कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वहां पर भवति इंडिया क्यों नहीं कहा गया। और हमारा जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक जाया है भारत भाग्य विधाता, वहां इंडिया भाग्य विधाता क्यों नहीं लिखा गया। कोई भारत के सपोर्ट में है तो कोई इंडिया वाली टर्फ पर टिका है। वार पलटवार की बौछार है तो उड़ीसा हैदराबाद में बारिश भी, बालासोर जिले में कई जगह पानी भर गया, लोग घुटनों भर पानी पार करके घर पहुंच रहे हैं। इसकी चिंता किसको है, क्या बारिश भी कोई मुद्दा है, मसला तो इंडिया और भारत है ना। संविधान में है इंडिया मींस भारत, ये दोनों शब्द है भाई, आपको क्या इतराज, हम भारत जोड़ो पहले ही बोल रहे हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया दैट इज भारत नहीं, बल्कि भारत ही होना चाहिए। हमारे देश की पहचान के साथ जो कुछ तितर बितर करने का जो विदेशी आक्रमणकारियों का षड्यंत्र और साजिशें रही हैं, वो किसी से छिपी नहीं है, इसलिए उसको करेक्ट करने का वक्त आ गया। भारत बनाम इंडिया बनाने के इनके इस घिनौने खेल को लोग अच्छी प्रकार से समझ रहे हैं। भारत था, भारत है, भारत रहेगा, और हम भारतीय हैं। हम लोगों ने भारत के बारे में कोई नया चीज नहीं है जी, ये सनातन है, तो जिनको सनातन से चिढ़ है वही इस तरह की बात करता है। मणिपुर शांत था, फिर सुलग गया, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई, रबड़ बुलेट्स दागने पड़े, कई लोग घायल हो गए, मगर रबड़ बुलेट्स पर इंडिया और भारत वाली डिबेट हावी हो गई। संविधान को बदलने की तिक्रम है और ये इंडिया की मांग करना तो बहाना है, लोगों की जनभावनाएं जो संविधान से लगी हुई हैं उसको तार तार करके ये फिर से कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की मांग के पीछे एक नए संविधान की खोज में लगे हुए हैं। भारत बोलने व लिखने पर
चीड़ क्या है, दिक्कत क्या है, क्यों जलन हो रही है, को क्यों तूल दिया जा रहा है। परेशानी तो उन लोगों को भी है जो 14 अक्टूबर वाले हाई वोल्टेज मैच के लिए अहमदाबाद पहुंच गए। हमारी टीम और पाकिस्तान का मुकाबला है लेकिन टिकट नहीं मिल रहा। अरे बुक माय शो में टिकट नहीं मिल रहा है और दूसरे वेबसाइट में लाखों में टिकट बेचा जा रहा है। बहुत निराश है, वहाँ इतने दूर से आए हैं, उड़ीसा से 2000 किलोमीटर तक सफर करके आए हैं और निराश होकर चले जाएंगे। ऑफलाइन पे हमने पूछा तो वो बोल रहे हैं कि ऑनलाइन मिलेगा, ऑनलाइन में वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ बुक नहीं हो रहा है। और सुनिए, दिल्ली में G20 समिट की तैयारियां जोरों पर हैं। चारों तरफ सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम हैं, लेकिन यहां भी इंडिया और भारत वाला मुद्दा ही स्पॉटलाइट में है। पोस्टर पर भारत और इंडिया दोनों लिखे हैं, जबकि दूसरी तरफ पटना में JDU ने चक दे इंडिया, जीतेगा इंडिया वाले पोस्टर लगा दिए। साफ हताशा में नजर आ रहे हैं, तो इसलिए नाम बदलेंगे। अब नाम बदलने से क्या होगा, इस देश की जनता में इनके खिलाफ अविश्वास है, उसको कहां से मिटाएंगे। ये ड्रामा जितना करना हो करते रहे। देखने सुनने में ये इशू बड़ा लगता है, लेकिन भारत हो या इंडिया, आम इंसान की जिंदगी में क्या बदलाव होगा। नाम बदलने से उसकी EMI कम हो जाएगी, महंगाई पर लगाम लगेगी, बच्चों की परवरिश बेहतर होगी, बैंक से लोन मिलना सस्ता होगा, या फिर बेरोजगारों को नौकरी मिल जाएगी। सवाल है बदलाव क्या होगा, होगा भी या नहीं। और अब देखिए, देश की जनता को भारत चाहिए या फिर इंडिया या दोनों, 24 घंटे में कई डिबेट हो चुके हैं। 74 साल पहले बनी संविधान सभा तक का जिक्र हुआ, इंडिया दैट इज भारत यानी आर्टिकल 1 के मुद्दे पर सवाल यह है कि नाम बदलना है तो क्या क्या बदलेगा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जेब से अपना वॉलेट निकाल लीजिए। देखिए, आज सबके पास आधार कार्ड है, आपकी पहचान है, अगर देश का नाम बदला तो क्या इस पर लिखा इंडिया बदलना पड़ेगा, क्योंकि 130 करोड़ लोगों को आधार कार्ड इश्यू हो चुका है। पैन कार्ड की बात करें तो आपके अकाउंट की पहचान, देश में 61 करोड़ पैन कार्ड होल्डर है। अगर नाम बदलने का फैसला हुआ तो क्या इस पर लिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चेंज होगा। देश के कम से कम 20 करोड़ लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, अब इसमें लिखा क्या होता है, लाइसेंस टू ड्राइव थ्रू आउट इंडिया, तो क्या नए लाइसेंस बनेंगे। हमारे देश में कम से कम 10 करोड़ लोगों के पास पासपोर्ट है, इसके कवर पेज पर भारत गणराज्य और रिपब्लिक ऑफ इंडिया दोनों लिखा हुआ है। अगर एक ही नाम रखना है तो क्या इंडिया वाली लाइन बदली जाएगी। आपकी जेब में नोट तो रहते हैं, देखिए 100 200 500 30 सितंबर तक 2000 के नोट भी बदले हैं। अब सोचिए, अगर इंडिया से भारत के नाम पर फाइनल मुहर लग गई तो फिर नोट पर लिखे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिजर्व बैंक ऑफ भारत करना पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और देखिए, कई लोग ये भी कहने लगे हैं कि अगर देश का नाम बदलने वाला संशोधन पारित हो गया तो क्या www.gogovernment.in वाली वेबसाइट का डोमेन भी बदलना पड़ेगा। अब इन सवालों को लेकर हमारे रिपोर्टर ने तो क्या कहते हैं, भारत वर्षे भरत खंडे, ज्यादा ढंग से एक प्रमाण क्या मिल सकता है आप बताइए। तो भारत का इंडिया कहाँ, इंडिया मतलब कुछ नहीं। अभी तक इनको इंडिया से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इंडिया जो विपक्ष का नाम पड़ा इनको दिक्कत होने लगी है। क्या इनको पहले नहीं याद आया, विपक्ष जो है अभी गुलामी की मानसिकता से निकलना नहीं चाहता, भारत से उनको परेशानी है, वे इंडिया के नाम से ही जीना चाहते हैं। इंडिया दैट इज भारत, यानी जो भारत है वही इंडिया है, साफ साफ लिखा हुआ है। आप लोग कौन सी गुलामी की बात कर रहे हैं, अगर गुलामी के प्रतीक चिन्हों को हटाना है आप इंडिया गेट तोड़ के आ जाइए, ठीक है, आप रेलवे की पटरियों को उखाड़ फेंकिए। भारत वर्ष कोई हमारा ये नया नाम नहीं है, भारत वर्ष हमारा पुराना नाम है। भारत जोड़ो अभियान राहुल बाबा ने चलाया था, तब उनको कष्ट नहीं हुआ था, लेकिन आज यदि कहीं भारत वर्ष नाम वो सुन रहे हैं तो उनको कष्ट हो रहा है, कष्ट हो रहा है। 24 के जब चुनाव आ रहा है तब ये जाग रहे हैं और इतना मजाक बना के रखे हैं कि नाम बदलने से, ये मजाक बना के रखे पूरे भारत को और ये इंडिया के बदलने के नाम कर रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, उसको लेके इंडिया रखा, ये पुरानी संस्कृति गिना रहे हैं हमको, इनको खुद की अपनी संस्कृति मालूम नहीं है और यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं। हमें ना भारत से तकलीफ है ना इंडिया से तकलीफ है, हमें ये मतलब कि मेरे अगर दो नाम है तो अगर भारत के भी चार नाम है तो क्या दिक्कत है।
स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखिए मोबाइल पर इंडिया और भारत वाली डिबेट के साथ एक वीडियो और खूब तेजी से वायरल हो रहा है। एक पिता अपने बच्चे को लेकर रो रहा है, बच्चा तड़पता है, पिता बच्चे को बचा नहीं पाता क्योंकि आवारा कुत्ते के काटने से रेबीज के कारण उसकी मौत हो गई। बच्चे ने डर के मारे माँ बाप से काटने की बात छुपाई, लेकिन सवाल उस सिस्टम पर जिसने सब कुछ देखकर भी अनजानों की तरह बिहेव किया। क्यों आवारा कुत्ते बच्चों पर टूट रहे हैं? क्यों नगर निगम नगर पालिका के अधिकारी जाग नहीं रहे? अस्पताल में इलाज के लिए क्या कहा उन्होंने? बेबसी क्या होती है? बेटे को तिल तिल मरते देखने का दर्द क्या होता है? कोई इस पिता से पूछे। एम्बुलेंस में याकूब अपने बेटे शावेज के साथ बैठा है। बेटा दर्द से तड़फ रहा है, उसकी सिसकियां नहीं रुक रही। और पिता लाचार है, आंसू बहा रहा है, दहाड़ मारकर रो रहा है। क्या नाम है आपके बेटे का? 4 सितंबर दिन सोमवार का। बेटे को बचाने के लिए ये पिता जद्दोजहद कर रहा था। ये उसकी आखिरी कोशिश का वीडियो है। इसके आगे की कहानी और दर्दनाक है और डिस्टर्बिंग। मेरा पोता था जी, उसे एक कुत्ते ने काट लिया। चरण सिंह कॉलोनी में ही कुत्ते पालती है एक लेडीज, उसके कुत्ते ने उसे काट लिया। ये घटना 1.5 महीने पहले हुई थी जी हमारे पोते के साथ, लेकिन हमें परसों पता लगा। बच्चा डर गया था, बताया नहीं था उसने। जब से हमें इस बात का पता लगा हम भाग दौड़ कर रहे थे। गाजियाबाद के विजयनगर में याकूब का परिवार रहता है। मेहनत मजदूरी से परिवार का पेट पालता है। 1.5 महीना पहले चरण सिंह कॉलोनी में 14 साल के शावेज को आवारा कुत्ते ने काट लिया। फिर क्या हुआ कहानी जानेंगे तो दिल दहल जाएगा। सर ये देखिए जी, हवा से डरता था, पानी से बहुत ज्यादा डरता था, अंधेरे में रहता था बच्चा। जैसे कुत्ता करता है ना, इस तरीके से बच्चा ही करता है। सब जगह लेके गए जी, एम्स लेके गए थे, GTV लेके गए थे, और एक और कई हॉस्पिटल हैं, पटेल नगर लेके गए थे। इस बच्चे की वजह से बाबू जी बर्बाद हो गए। किसी का बच्चा ऐसा दोबारा किसी के न काटे। घर में डांट पड़ेगी, इस डर से शावेज चुप रह गया। जब तक बात साफ हुई कि शावेज को रेबीज के कारण हाइड्रोफोबिया हुआ है, देर हो चुकी थी। फिर परिवार की दौड़ भाग शुरू हुई, पर फायदा कुछ ना हुआ। परिवार सदमे में है। मांग हमारी ये है जी, इन कुत्ते वालों की सबकी जांच हो। हम तो बर्बाद हो गए, कोई दूसरा बर्बाद ना हो, किसी के बच्चे के साथ ऐसा ना हो जिसकी लाइफ बिगड़ जा। हम तो बर्बाद हो गए, कोई भी इंसान हो उसके साथ कोई भी ऐसी घटना ना होनी चाहिए। हमारी मांग ये है, इन कुत्ते वालों को सजा मिलनी चाहिए। पिछली गली में एक लेडीज है, वो पालती है, 4-5 कुत्ते पालती है वो, ठीक है जी, खुले रहते हैं कुत्ते, ठीक है। जब बच्चों से जाता है तो उसके गली पर जाते हैं कुत्ते, कई शिकायत है। पिछली गली में उनकी गली में वो रहते हैं ना, उनकी गली में कई शिकायत है, कई वो काट रखा है। हमारा बच्चा जा चुका है जी। अब शिकायत हुई है, पुलिस भी हरकत में है और एक्शन के दावे भी हो रहे हैं। घर वालों ने, परिजनों ने दिए हुए तहरीर के आधार पर थाना विजयनगर में सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत की गई है और तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। शावेज 14 साल की उम्र में दुनिया से चला गया। आवारा कुत्तों ने उसकी जिंदगी की लकीर छोटी कर दी। परिवार सदमे में है और ये सदमा ताउमर इस परिवार को कचोटता रहे। क्या कह रहे हैं? स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा के भीतर अपने मंत्री संदीप सिंह को हटाने से साफ इनकार कर दिया था, और एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार। अगर खट्टर साहब ने एक बार चंडीगढ़ पुलिस की चार्जशीट पर नजर मारी होती तो शायद मंत्री को ना हटाने की जो हामी भरने से पहले वो कई बार सोचते, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस की चार्जशीट में उनके मंत्री बुरी तरह से फंस चुके हैं।
हॉकी के मैदान में संदीप सिंह स्टार हुआ करते थे। उनका ड्रैग फ्लिक किसी को भी धोखे में डाल सकता था। पर राजनीति का खेल दूसरा होता है। धोखा तो यहां भी देने की कोशिश संदीप ने की, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस उससे ज्यादा तेज और होशियार निकली। मामला एक महिला कोच के यौन शोषण का है और पुलिस ने संदीप के कई झूठ पकड़े और उनके पुख्ता सबूत भी जुटा लिए। महिला कोच के ज्यादातर आरोप सच पाए जा रहे हैं, चार्जशीट यही बताती है। मंत्री संदीप सिंह ने पूछताछ में कहा था महिला कोच से उनकी मुलाकात सरकारी बंगले वाले ऑफिस केबिन में हुई, लेकिन महिला कोच ने जांच के दौरान मंत्री के सरकारी बंगले के अंदर मंत्री जी के बेडरूम और बाथरूम तक की शिनाख्त कर डाली। मंत्री संदीप सिंह ने कहा था महिला कोच 15 मिनट के लिए उनके घर उनसे मिली थी। पुलिस ने उबर कैब का रिकॉर्ड चेक किया, पता चला महिला कोच घंटे भर मंत्री के घर पर थी। संदीप सिंह ने पूछताछ में ये बातें सही नहीं बताई, क्योंकि तथ्य संदीप सिंह के दावे से उलट है। चंडीगढ़ पुलिस के सामने बहुत से गवाहों ने माना है कि महिला कोच ने मंत्री के शारीरिक शोषण के बारे उन्हें बताया। एक बार ये जानना चाहेंगे कि वास्तव में हुआ क्या था आपके साथ। इन्होंने मुझे हर हिसाब से काफी प्रेशराइज किया, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर हिसाब से ये मेरे साथ कमिटेड होना चाहते थे। जब मैंने हर एक चीज का विरोध किया तो उनकी हद इस हद तक बढ़ चुकी थी कि उन्होंने मेरा जीना हराम करना शुरू कर दिया। 1 जुलाई 2023 CFSL ने वीडियो रिकॉर्डिंग और चैट्स की जांच की। इसमें पता चला कि महिला कोच ने संदीप सिंह की हरकतों का जिक्र किस किस से किया था। 16 जुलाई को पीड़िता ने अपनी एक सहेली को जानकारी दी थी कि संदीप सिंह उसे परेशान कर रहे हैं। जांच में पीड़िता के फोन से वो तस्वीर रिट्रीव हुई जिसमें पीड़िता के माथे पर बैंडेज लगी हुई थी। महिला कोच ने अपनी सहेली को ये तस्वीर भेजी थी और बताया था कि शारीरिक शोषण से बचते हुए उसका सर टेबल से टकराया था और भागने की कोशिश में उसके सर पर चोट आई। पीड़िता ने खेल मंत्री के मानसिक शोषण की शिकायत खेल विभाग के अफसरों से भी की। आप सीनियर अधिकारियों से शिकायत कर सकती थी, आप महिला आयोग जा सकती थी। मैं जितना एक लेवल पे कर सकती थी मैंने हर जगह कोशिश की कि संदीप सिंह को रोक लिया जाए, वो मुझे परेशान करता है, लेकिन किसी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। चाहे वो सीएम स्टाफ था, हरियाणा डीजीपी थे, डिप्टी सीएम थे, अनिल विज थे, मैंने हर जगह, या चाहे मेरे खेल अधिकारी थे, मैंने हर जगह एक संभव कोशिश की जिसमें मैं नाकामयाब रही क्योंकि किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। खेल विभाग के स्टाफ और रिकॉर्ड की जांच में इसके सबूत मिले हैं कि महिला कोच पर प्रोफेशनल लेवल पर भी दबाव बनाया गया। नियुक्ति और तबादले को लटकाने के लिए भी संदीप सिंह ने प्रभाव का इस्तेमाल किया। पीड़िता की पोस्टिंग की फाइल मंत्री संदीप सिंह ने मंगवाई थी। खुद हरियाणा के खेल निदेशक IPS अधिकारी पंकज नैन ने चंडीगढ़ पुलिस से पूछताछ में ये माना है। बात 2022 की है, महिला कोच की नियुक्ति पर जनवरी 2022 में सवाल उठे थे। कुछ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स की कमी थी या कागज कम थे। अप्रैल आ गया और इस बीच उस रिक्त पद पर एक पुरुष कोच रख लिया गया। शिकायतकर्ता कोच की भर्ती मई में हुई। संदेह ये भी है कि ये भर्ती भी मंत्री की मर्जी या दबाव या फिर सिफारिश से की गई, क्योंकि वह वैकेंसी तो पहले ही भरी जा चुकी थी। मंत्री संदीप सिंह ने महिला कोच को नौकरी के लिए OPS पॉलिसी के तहत मदद का ऑफर दिया था। पीड़िता के फोन डेटा की FSL पड़ताल में इसके भी सबूत मिले, लेकिन संदीप सिंह ने पुलिस पूछताछ के वक्त इन बातों से साफ इनकार किया था। मंत्री संदीप सिंह और महिला कोच एक दूसरे से रेगुलर टच में थे, उनके संबंध प्रोफेशनल इंटरेक्शन से कुछ ज्यादा थे। पीड़िता के मोबाइल फोन की CFSL रिपोर्ट में इसके साफ संकेत हैं, लेकिन आरोपी संदीप सिंह ने पूछताछ में इससे भी इनकार किया था कि उनके महिला कोच से कोई पर्सनल रिश्ते हैं, जबकि गवाहों ने भी दोनों के करीबी संबंधों का जिक्र पुलिस जांच में खुलकर किया। यानी चार्जशीट से साफ है कि ना सिर्फ पर्सनल लेवल पर बल्कि
प्रोफेशनल लेवल पर भी मंत्री संदीप सिंह ने पीड़ित महिला कोच पर दबाव डाला। अब तक की जांच और पूछताछ में साफ है कि पीड़िता को लेकर मंत्री संदीप सिंह बहुत पर्सनल थे और यौन उत्पीड़न की शिकायत के बाद मामले को दबाने और निपटाने के लिए संदीप सिंह ने पीड़िता पर अपने मंत्री पद का प्रभाव डालने की कोशिश की। संदीप सिंह इस मामले में दो तरह से फंस रहे हैं। एक तरफ महिला कोच की भर्ती में उनकी भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है, दूसरी तरफ महिला कोच का मानसिक शारीरिक और यौन शोषण करने का आरोप उन पर चंडीगढ़ पुलिस की चार्जशीट साबित हो रही है। और देखिए, भारत और इंडिया बहस के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान दिया है और मोहन भागवत ने दावा किया है कि आज की युवा पीढ़ी के बुजुर्ग होने से पहले अखंड भारत हकीकत बनेगा, क्योंकि भारत से अलग हुए लोगों को गलती का एहसास हो रहा है। संघ प्रमुख का पूरा बयान आपको हम सुनाते हैं। बताता हूं कि आप अगर उसको करने जाएंगे तो आपके बूढ़े होने के पहले से आपको दिखेगा, क्योंकि अब परिस्थितियां ऐसी करवट ले रही, जो भारत से अलग हुए उनको लगता है कि वो गलती हो गई, हमको फिर से भारत होना चाहिए, लेकिन वो मानते हैं कि भारत होना यानी नक्शे की रेखाएं पोछ डालना। ऐसा नहीं है, केवल उससे नहीं होगा, भारत होना यानी भारत के स्वभाव को स्वीकार करना। वो स्वभाव मंजूर नहीं था इसलिए भारत का विखंडन हुआ है। वो स्वभाव जब आ जाएगा तब कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, सारा भारत एक हो जाएगा। और आइए आपको एक खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर एक डीएम का पहले तबादला हुआ और इससे पहले कि वो अपनी नई कमान संभाल पाता उनका तबादला तो रद्द नहीं हुआ पर पोस्टिंग रद्द हो गई। क्या इस अवसर की लोकप्रियता उनके आड़े आ गई? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 1 सितंबर को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया, 9 जिलों के डीएम बदल दिए। आपको इस लिस्ट में पहले और दूसरे नाम पर गौर करना है। बस्ती की डीएम प्रियंका निरंजन का ट्रांसफर मिर्जापुर कर दिया गया और मिर्जापुर की डीएम दिव्या मित्तल को बस्ती भेजा गया। प्रियंका निरंजन ने तो मिर्जापुर जाकर जिले की कमान संभाल ली, लेकिन बस्ती में इन 4 दिनों में बहुत कुछ घटा। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में 4 दिनों में जो हुआ वो शायद पहले कभी नहीं हुआ। ट्रांसफर लिस्ट के मुताबिक दिव्या मित्तल को बस्ती का चार्ज लेना था, लेकिन कल यानी 5 सितंबर को ये जिम्मा संभाला कौशल विकास मिशन के निदेशक आंद्रा वामसी ने। सर, पहले दिव्या मित्तल जी का यहाँ पे ट्रांसफर हुआ था और अचानक में सर आपको भेजा गया। अब सवाल है कि दिव्या मित्तल कहाँ है? एक आईएएस अधिकारी कहाँ गायब हो गई? उनकी जगह बस्ती का चार्ज किसी दूसरे आईएएस को क्यों मिला? इन सवालों का जवाब आपको अगले 2 मिनट में मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले दिव्या मित्तल का ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। वो वीडियो जिसकी वजह से आईएएस लॉबी से लेकर सत्ता के गलियारों तक दिव्या मित्तल ट्रेंड करने लगी थी। ये आईएएस दिव्या मित्तल के विदाई समारोह का वीडियो है। मिर्जापुर छोड़ने से पहले दिव्या मित्तल पर उनके चाहने वालों ने गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई। लोग बताते हैं कि मिर्जापुर के लोकप्रिय पर्व कजली को दिव्या ने लोकल हॉलिडे घोषित करवाया, कुछ गांव में पानी की व्यवस्था ठीक कराई। और मेरे भी बहुत सारे सपने यहाँ पे, चाहे लहरियादर के लिए हो या चुनार के लिए हो या विंध्याचल के लिए हो, बहुत सारे सपने मेरे भी अभी कुछ काम में हैं भी, वो भी पूरे मुझे लगता है माता करा दें। तो बहुत ही ज़्यादा स्नेह मुझे मिर्जापुर से मिला, इतना स्नेह मुझे मिला है, अभी भी मिल रहा है। दिव्या जोश के साथ बस्ती का चार्ज लेने वाली थी, लेकिन शायद एक कर्मठ महिला अफसर की लोकप्रियता किसी को नागवार गुजरी। बहरहाल दिव्या मित्तल का तबादला मिर्जापुर से तो हो गया, पर वे बस्ती नहीं जा रही। अब उनका स्टेटस है वेटिंग फॉर पोस्टिंग।
कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि कहीं काम पर वायरल वीडियो भारी तो नहीं पड़ गया। मिर्जापुर में उनका विदाई समारोह आयोजित हुआ तो जनता ने उन पर बकायदा फूलों की बारिश भी की थी, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया में खूब वायरल हुई। चर्चा है कि एक अफसर की लोकप्रियता की ये तस्वीर लखनऊ में बैठे वरिष्ठों को नागवार गुजरी, जिसके बाद उन्हें प्रतीक्षारत कर दिया गया। आखिर नेताओं को काम तो अफसरों के जरिए कराना पड़ता है, और किसी काम करने वाले अफसर पर लोग बरसाएं और नेता उनके सामने कांटे बिछाएं तो सवाल तो उठते ही हैं। दिव्या मित्तल को पोस्टिंग तो मिल जाएगी, पर इस मामले के बाद कई अफसर सोचेंगे कि अच्छा काम करने पर उन्हें कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।